चार चौधरी टीना दत्ता की बन चुकी है जिम ट्रेनर और उनको काफी सारी ऐसी ऐसी बातें बोलती हुई नजर आई। चलिए आप लोगों को बताते हैं क्या मालूम प्रियंका की इन सब बातों से आपका कुछ फायदा हो जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टीना दत्ता हर किसी के साथ इस घर में रही है, वो फायदे के लिए रही है। टीना को लोग बहुत ज्यादा पहले पसंद करते थे पर उतना ही उनको हेट करने लग गए हैं टीना को। कुछ चंद फैंस बचे हैं जो कि हार्डकोर है, टीना को अभी भी प्यार करते हैं, उनका तो मतलब फैन तो फैन ही होते हैं। बट टीना के साथ दोस्ती आगे इस तरीके से बढ़ानी चाहिए प्रियंका को, या प्रियंका को भाई बहुत क्लियर रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रियंका बहुत ज्यादा क्लियर है, किसी की बातों में नहीं आती है, बातचीत करने के लिए टीना के साथ रहती है, बट वो भी टीना की इतनी अच्छी दोस्त नहीं है दिल से। क्या है आपके विचार बताइए जरूर। सुबह हुई, सुबह होते ही जो है इन दोनों ने जिम करनी शुरू की, जहां पर प्रियंका जो है अलग अलग एक्सरसाइज जो है बता रही है। अभी फिनाले आने वाला है, फिट रहना है, और प्रियंका काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है टीना को लेके भी। टीना भी काफी ज्यादा एक्टिव हो रही है, प्रियंका की हर एक बात मान रही है, जिम ट्रेनर बन चुकी है प्रियंका। वहीं पर जो है ये लोग और भी काफी सारी बातें बोलते हैं, जहां पर टीना बोलती है यार मुझे बैड सपने आए, कल रात मेरा बहुत ही बुरा था, सब लोग आ गए, ये हो गया वो हो गया। तो वहां पर प्रियंका भी काफी ज्यादा ध्यान से सुनती है और बोलती है कि भाई फटाफट एक्सरसाइज कर। और ये लोग बोलते हैं कि सुबह का जिम करना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पूरा दिन काफी ज्यादा ताजगी महसूस होती है। क्या आप लोग भी जिम जाते हैं? अगर जाते हैं तो कौन से टाइम पे जाते हैं, मुझे जरूर बताइए। और टीना के बारे में आपका क्या विचार है, उसके बारे में भी बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।